तो टोटल 4200 रुपये। इसमें 3000 रुपये पहले, 1200 रुपये टोटल। इसी में मैं आपको पूछ रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड का पेपर, जैसे प्री बोर्ड अपने सीबीएसई में होते हैं वो भी इसी में दे दूंगा। मतलब एवरीथिंग जो भी चीज़ होगी सब कुछ मेरे पास ही मिलेगा, सिर्फ अपने पेपर की तैयारी आपको करनी है। ठीक है, कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? एनआईओ से, नेशनल ओपन से। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोला कोई? हाँ नहीं, एनआईओ से। अगर आपको अपनी मेहनत से करना है तो अपनी मेहनत से कर लीजिए, ये चार। तो इसके अलावा जॉब पढ़ रहा हूँ टाइम का, यानी देखो सर जॉब करने वाले भी पढ़ते हैं अगर शांत हो। एक्चुअली मेरे फ्रेंड का भाई है, उसे करा दी। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको, आप बता दो मेरे को प्रॉब्लम। अगर आपको एसेसमेंट में करना है तो शुरू में 3000 रुपये, 2100 रुपये जुलाई अगस्त 21 पेपर दूंगा घर पे करने के लिए, वही सेम प्री बोर्ड 21 पेपर। हाँ, इसमें सब्जेक्ट होंगे 7 7 21। ठीक है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट होंगे 1250 रुपये एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, ये आपको देनी है। आपको जहाँ पे आपको पैसे में दिक्कत लगेगी वहाँ मेरे से पूछ सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा क्यों और यहाँ पे नहीं। 2100 रुपये किस चीज़ के आपने बताए थे अभी? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर के पैसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा लगे वहाँ मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, स्कूल में जो सेटिंग का खर्चा होगा, स्कूल वाला अगर आप स्कूल वाला अगर 1800 रुपये पेपर मांगेगा तो मैं आपसे 2000 रुपये चुका। ठीक है, ठीक है, 2500। ठीक है, अगर स्कूल वाले ने अगर 2200 रुपये मांगे, सॉरी 2000 मांगे तो मैं आपसे 2500। ठीक है, ठीक है, तो ये आएगा ये ही आएगा। ठीक है, बहुत मान लो ये आप तो ये भी आप समझो दोस्तों दो स्टॉल। इसमें कंडीशन से क्या वहाँ पे लड़का लिखवाएगा, करना का काम आपका होगा। अच्छा, आप करोगे नहीं मतलब किस तरह से लिखवाएगा वो? चाहे मुझे बोल के लिखवाए, ठीक है, चाहे बोर्ड पे बोर्ड पर लिखवाए, चाहे हिंदी में लिखवाए, चाहे इंग्लिश में लिखवाए, ठीक है, चाहे पर्ची दे, एवरीथिंग कैसे भी कुछ भी दे, वो उसका प्रोसेस है, वो उसके ऊपर। आप चाहे हम फिर करेगा नहीं कोई जवाबदार नहीं। ठीक है, जितना करेगा उतने नंबर। ठीक है, तो ये जो स्कूल पढ़ेगा वो दिल्ली NCR में ही होगा या बाहर का होगा? दिल्ली या NCR? नहीं मतलब एक एरिया आपने कराते होंगे तो आपको एक अंदाजन पता होगा किस किस में पढ़ सकता है। सर मेरे दो ही जाते, तीन जगह जाते हैं। या तो जाता है आपका जनकपुरी का आस पास, जनकपुरी का आसपास, या जाता है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ या फिर सांपला, तीन में से एक जाता है। तो तीन ये जगह हैं या एग्जैक्ट कोई स्कूल है? एग्जैक्ट ही है, इन तीनों से एक जगह पढ़ता है। देखो दोनों में फैसिलिटीज है, यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा तो बच्चा तो खुद जा सकता है, बहादुरगढ़ जाएगा तो बसें जाती हैं, बस में जाएगा तो उसका चार्ज पे करना पड़ेगा, बस का चार्ज अपना पे करना। ठीक है, ठीक है, ले भी जाऊँगा छोड़ भी दूँगा। ठीक है, अपने बस में जो सारे बच्चे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर सांपला पड़ता है तो यहाँ से ट्रेन में ले जाते हैं, वहाँ से हमारी बस आ जाती है। सांपला कितनी दूर पड़ता है? सांपला जाएगा मतलब बहादुरगढ़ से आगे, अगर वहाँ जाएगा तो यहाँ से ट्रेन में करवा के ले जाएंगे, वहाँ से हमारा वो आ जाएगी, अगर बस आ जाएगी स्कूल की तो स्कूल वाली बस। ठीक है, मतलब जो भी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जाके स्टे कर ले, रोज डाउन अप डाउन ना कर पाए तो करने की जरूरत है? अरे डेली अप डाउन, अरे यार 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे का क्या हो गया, 10 घंटे का थोड़ी ना है। 1 घंटा है मेरे ख्याल से, 10 रुपये लगते हैं ट्रेन। ये कौन सी ट्रेन जाती है 10 रुपये? मेट्रो ट्रेन, ट्रेन लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन देर ही जाती है, जनकपुर जाएगी तो भी अपना वो बस का चार्ज दूंगा फिर। तो इसका टोटल अप्रॉक्स कितना आएगा? जो मेरे को सुटेबल पड़ता है कराने में, जो बच्चा कर भी लिया हमें जो डरते तो पैसे नहीं नहीं बिल्कुल वही होना चाहिए जिसमें बच्चा पास हो जाए, हमारे घर पे हो जाए, प्रैक्टिकल में टेंशन ना हो, उसके बाद जब सुटल पड़ जाए वही बच्चे ज़्यादा दिखेगा। इसमें टोटल खर्चा कितने का बैठा सर? सारे जोड़ो, सारे 3000 प्लस 2100 प्लस 2000 प्लस ये आएगा जी आएगा हम बात देखते हैं 15000 या फिर तो 20000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। हाँ, 20 से 21000 का ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, आप खुद ही करोगे ना, स्कूल में जाओगे तो स्कूल वाला भी खुलने मान 2000 रुपये पर, 2500 रुपये पर, 3000 रुपये पर, ऐसे
खुले हैं आजकल के, कहीं भी चले जाओ तो भी बता करते। देखो 3000 रुपये लिए ना मैंने, अब खुद करोगे जाके उसके 1500-1400 रुपये लगे। अच्छा है ना, मैंने 1000 रुपये की फालतू लिए, एक सेंटर में सेंटर लगाने का, पहले बता रहा हूँ ना कन्फर्म, आपको कन्फर्म है इसलिए, तो वो 1000 रुपये हैंड ओवर ही लेते हैं वाले, 300 रुपये ये वाला ले लेते हैं जो स्कूल वाला होगा, जैसे कि आप नहीं होता भर नहीं सकते ना, कौन भरेगा, सौ बच्चे की फीस भर दूंगा मैं, नहीं भर सकता मैं, इनको कैसी नजर नजर बना रहा हूँ, 2-3 रुपये अपने लेटर हैंड से लगा के बेचता हूँ, तो 2800-2900 वही हो गए। कौन लेटर हैंड से क्या स्कूल की, अच्छा स्कूल के थ्रू, स्कूल के पास तो ऑपरेशन टैक्स नहीं भरना पड़ता ना स्कूल को, ठीक है, जाहिर सी बात है मैं 300 रुपये से दूंगा तभी तो कुछ करेगा, ठीक है सही बात है, करेगा 100 रुपये फार्म फॉर्म निकालने में, डी डी वी डी बनाने में खर्चा आ जाता है 70-80 रुपये मुझे उसके में, ये क्लियर बता रहा हूँ, 1250 रुपये एग्जामिनेशन फीस बताइए, 150 रुपये पर सब्जेक्ट फीस है, 7 को मल्टीप्लाई करना कर दो 1050 रुपये ऐसी हो गए, 2 प्रैक्टिकल हो गए 70-70 रुपये की, 50 जी डी के हो गए शायद इससे ज़्यादा ही, 1400 रुपये मुझे बचते हैं फीस, मगर 1400 रुपये मेरे लिए बतेरे हैं क्योंकि मेरे पास 100 बच्चे हो जाते हैं तो बहुत हो जाते हैं। तो इसका 6 महीने में होता है 3 महीने में होता है पेपर? अब तो हो गया आपके अप्रैल, अगले अप्रैल, नेक्स्ट अप्रैल में होगा, अक्टूबर वाली डेट चलेगी, अक्टूबर वाली डेट भी चलेगी और रोल नंबर भी लगेगा। नहीं कब तक होती है डेट है, कब तक है? जब बता दें क्या है, अभी फार्म भरोगे तो अप्रैल के लिए चलेगी, ठीक है, उसके बाद सितंबर के बाद 28 फरवरी तक अक्टूबर के लिए चलेगी, अच्छा अगले अक्टूबर की, अप्रैल के बाद जो अक्टूबर आएगा, ठीक है, वो 6-6 महीने का गैप हो गया, 8-8 महीने का, 8-8 महीने है ये हो गया, और जो अभी बच्चा सीबीएसई से कंपार्टमेंट आएगा, जो अभी आएगा सीबीएसई से रेगुलर से कंपार्टमेंट आएगा, उसके पेपर अभी हो जाएंगे अक्टूबर, उसके लिए होगा 6 महीने, आपको तो फ्रेशर भी अप्रैल के लिए जाएगा, देखो भैया झूठ में बोलता नहीं तो बताया, पहले बता रहा हूँ लड़का लिखेगा नहीं मेरी जवाबदारी नहीं, बच्चे का मैं करना बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ये नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना सेंटर में बैठा दूंगा ये कर दूंगा, ये सब नहीं होता, कैमरे लगे हुए थी सेंटर में, फिर कैसे होता है वो मैं करा दूँगा, वो क्यों रहेंगे जो वैसे नहीं देगा वो कैमरे वाले में जाएगा, ये वैसे जाएगा। और अच्छा भैया बी टेक का और बता दो एक बार क्या है उसका, पता ये MBA वगैरह है ना मैनेजमेंट वगैरह के, सर कराऊंगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी से कराऊंगा, ऐसे तो कराऊंगा नहीं, ये नीम्स यूनिवर्सिटी है अपनी नई जयपुर की, इसका रिजल्ट भी नेट पे सब कुछ नेट पे है, बस करा मैं तुम्हारा उसकी डिटेल देता हूँ, सर एक बार बस बी टेक की नेम बन गई, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाए या बीएससी आईटी हो जाए, बीएससी आईटी है इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी आईटी हेलो कौन सी कौन चलो ठीक है अब वहीं चलेगा उसमें बैठे, हेलो हाँ वापस आऊँगा क्योंकि बीटेक के लिए ना इसी के पास, ठीक है आपका 10-12 का वर्कआउट ज़्यादा आ जाऊँगा, 10-12 मेरे पास भी है मगर बीटेक का नहीं मिल रहा, ओके ठीक है इसलिए मैंने सुनी ठीक है, मेडिकल्स की काउंसलिंग है या फिर वैसे भी है, MBBS वगैरह भी होती है, MBBS वगैरह का भी हो जाता है क्या एंट्रेंस वगैरह का क्या, MBBS वगैरह का भी करा दूँ, MBBS वगैरह का तो सिर्फ मेडिकल काउंसलिंग ही है, मेडिकल MBBS हो जाएगी इससे इस वाली यूनिवर्सिटी से, अंदर MBBS का है कुछ प्रोसेस MBBS BDS वगैरह, ठीक है जो है मेडिकल आप मेरे को नंबर दे दो बस यही करो, एनआईएस में तो हो जाएगा भैया ये दे देना पर्चा, ये तो मैं करा दूंगा इसका तो उतना ना पासिंग वासिंग सब हो जाएगी 20,000 के अप्रॉक्स,
9 2 9 2 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 1 999 सूरज जी।